ये देखे मेरी आँख, मैंने लगाया था यहाँ से जो है ना, इसका आईज का जो मेरा कलर भी यहाँ से ख़राब हो गया। यहाँ पर इतनी जलन हो रही है ना लगाने के बाद से, तो इसलिए आप लोग पहले मंगवाने से पहले ज़रूर सोचिएगा। मैंने तो अपनी आँख ख़राब की है, तो आप लोग ये देखें यहाँ पर भी अभी लगा हुआ है, मैंने उतारा नहीं क्योंकि जलन इतनी हो रही है। ये देखें यहाँ से सारी अजीब सी हो गई है मेरी आँख। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरे पास ये दो जो हैं पार्सल पड़े हुए हैं, तो जो मैंने दराज से मंगवाए थे, तो मैंने आज खोलने लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूँ, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम दराज से जो है मेकअप की कोई प्रोडक्ट है जो मंगवाई है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। एक मैंने लाइनर मंगवाया, एक मैंने काजल मंगवाया है, और एक मैंने लाइनर मंगवाया है मिस रोज़ का स्टैम्प वाला। तो चलिए देखते हैं कि चीज़ें वही आई हैं या कोई चेंज है। तो मैं इसको अनरैप करती हूँ, तो अनरैप करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी। चलिए इसको अनरैप करते हैं, पहले इसको काटना पड़ेगा। अच्छी है देखिए, पैकिंग तो इसकी अच्छी है, लेकिन काफ़ी मेहनत के साथ इसको खोलना पड़ेगा। चलिए इसको खोलते हैं। ये मुझे लग रहा है काजल है, कोई डब्बी कोई कुछ भी नहीं है इसके साथ, इन्होंने किसी बॉक्स में नहीं दिया, और ये वैसे ही इन्होंने दो जो हैं वो पकड़ा दिए हैं। ये भी मिस रोज़ के थे, लेकिन इधर कुछ भी इन्होंने कोई भी ब्रांड का नहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ। तो हालत इसकी काफ़ी गंदी है, ये देखिए। लेकिन यूज़ करके अब इसको देखते हैं। एक वाइट कलर में है, एक ब्लैक कलर में है। ब्लैक कलर की तो हालत काफ़ी ख़राब है, तो इसको लगा के मैं देखती हूँ। तो ये यूज़ करने में तो बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल लाइट सा मैंने ऐसे टच किया। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये उसी टाइम ही जो है वो उतर गया। क्वालिटी इसकी जो है बस सो सो ही है, लेकिन अंदर से अच्छा है ये, तो पैसे ज़ाया नहीं हुए। वाइट वाला भी देख लेते हैं, वाइट वाला भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये लगने के फ़ौरन बाद ही उतर रहा है। ये मैं आँखों में लगा के जो है वो बाद में चेक करूँगी, तो वैसे तो ठीक ही है बस। तो नेक्स्ट पार्सल अब हम खोलते हैं, खोल के मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने खोला है, इसकी पैकिंग बस ठीक ही है, इधर से भी नहीं इन्होंने कुछ किया ना इधर से किया। जो मुझे ये दो जो मुझे पड़े हैं, ये मुझे पड़े हैं टू, एक मिनट मैं चेक करती हूँ, टोटल पड़े हैं डिलीवरी के साथ 270 में, शायद 270 या 275 है, उसका समझ नहीं लग रही। ये दो मुझे पड़े हैं 270, और ये वाला जो है, चलिए पहले खोल के देखता हूँ। पैकिंग इसके आपके सामने ही है, ऐसे की है, तो ये तो मिस रोज़ का ही है। चलो शुक्र है, बाहर से तो मिस रोज़ का ही है। नेक्स्ट अब अंदर से खोल के देखते हैं इसको, क्योंकि मैंने स्टैम्प वाला मंगवाया था। अब देखती हूँ स्टैम्प वाला आया भी है या नहीं। तो ये इसकी, अच्छा इसके अंदर भी ये इन्होंने दी हुई है, ये पैकिंग में ही है। इसको खोल के देखते हैं, मैंने दराज से पहले बहुत कुछ मंगवाया, लेकिन मेकअप का कभी नहीं मंगवाया, लाइनर वगैरह या काजल कुछ भी ऐसा नहीं मंगवाया। तो ये मुझे बहुत यूनिक सी लगी थी, तो मैंने इसीलिए ऑर्डर की है। तो ये देखिए इसकी पैकिंग तो अच्छी है, ये देख के लगा के देखती हूँ। लगने में तो ठीक है, अब इसका स्टैम्प चेक कर लेते हैं, स्टैम्प आई है कि नहीं।
वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो ये तो मैं आंखों पे लगा के लाइनर के तौर पे चेक करूँगी, लेकिन उन्होंने वाटरप्रूफ बोला था तो ये देखते हैं। ये तो उसी टाइम ही मेरे लग गया सारा हाथों पर, तो इसका वाटरप्रूफ टेस्ट भी करती हूँ मैं। इसको मैं लगा के थोड़ी देर ड्राई करके तो इसका वाटरप्रूफ टेस्ट कर देते हैं, ये वाटरप्रूफ है भी या नहीं। तो मैं लगा के ड्राई करके पानी से इसको लगा के देखती हूँ। तो ये मैंने लगाया है, ये वाली साइड पे स्टेम सी और भी, और ये वाला भी। इसकी स्मेल बहुत ही गंदी है, बहुत ही गंदी अजीब सी इसकी स्मेल आ रही है। तो इसको मैं थोड़ी देर ड्राई करती हूँ, इसके बाद इसका वाटरप्रूफ टेस्ट करके देखते हैं ये वाटरप्रूफ है भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था उधर के ये वाटरप्रूफ है। तो चेक करती हूँ इसको, थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, तो इसका रिव्यू आपको लाइव ही दूँगी। तो ये देखें, ये ड्राई हो गया। मैं इसके ऊपर एक दो ड्रॉप्स जो है वो पानी के डाल के देखती हूँ कि ये वाटरप्रूफ भी है या नहीं। ये ड्रॉप लिया पानी का, ये तो फैल गया, ये तो उसी वक्त फैल गया। इसमें तो मेरे पैसे ही जाया गए, क्योंकि ये वाटरप्रूफ बोला था उन्होंने, तो ये वाटरप्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है। वाटरप्रूफ क्या, ये तो सारे मेरे हाथ इसने गंदे कर दिए। तो इस पे तो मेरे हुए पैसे ज़ाया। चलें, वैसे इसको यूज़ कर लेंगे, पानी फिर नहीं इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। और ये मुझे पड़ा है डिलीवरी चार्जेस डाल के, ये मुझे पड़ा है 521 में, और वो मुझे पड़ा है 270 समथिंग में। तो वो तो उसकी जो है वो हालत जो है वो वैसे ख़राब थी इस वाले की, तो देखने में ज़रा क्वालिटी इसकी डो ही है। और ये देखें, ये सारे इस पे जो निशान वगैरह पड़े हुए हैं, तो वैसे अंदर से तो ठीक था, लेकिन आंखों पे लगाने के बाद ये भी मतलब वाटर प्रूफ तो ये भी नहीं है। तो वाटर प्रूफ ये भी नहीं है, इन्होंने दोनों ही बोला था कि ये वाटर प्रूफ है, लेकिन दोनों ही वाटर प्रूफ नहीं निकले। तो वैसे ओवरऑल तो ठीक ही है बस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।